आज मैं एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात करूंगा जिस क्रिकेटर के पास बैट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं और उन्हें हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है रोहित शर्मा। ये वही रोहित शर्मा है जो एक ही पारी में 16 छक्के जड़ देते हैं और अपने विपक्षी टीम की कमर भी तोड़ देते हैं। वैसे तो रोहित शर्मा का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में उनके परिवार की माली स्थिति बहुत बुरी थी। उनके स्कूल की फीस भी भरना उनके लिए एक बहुत मुश्किल होता था। रोहित शर्मा के पिताजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयर टेकर का काम करते थे। जैसे तैसे उनके घर का खर्च चलता था। बचपन में रोहित शर्मा पैसे के अभाव में टूटे बल्ले से, पुरानी गेंद से, पुरानी टीवी से अपनी प्रैक्टिस करते थे। एक दिन उनके पिता ने उनके पैशन और उनके जुनून को देखा तो उनके पिता को लगा कि बेटे को और आगे तक भेजना चाहिए, तो उन्होंने अपने बेटे को दादा के पास मुंबई भेज दिया। जब रोहित शर्मा मुंबई पहुंचे तो वो मुंबई की गलियों में क्रिकेट खेलते थे। आसपास के पड़ोसियों के शीशे भी वो अपनी बैटिंग से तोड़ डालते थे, जिसकी वजह से पुलिस भी आती थी और उस पुलिस के सामने उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता था। लेकिन रोहित शर्मा रुकने वाले इंसान नहीं थे। जब ये सब उनके चाचा और उनके दोस्तों ने देखा कि इस लड़के को और आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने उनका एक एकेडमी में एडमिशन भी करवा दिया। अब एडमिशन तो हो गया था, लेकिन वहां पर खेलने के लिए उनके पास सामान नहीं था। किट नहीं थी, बैट नहीं था, बॉल नहीं था, हेलमेट नहीं थे, पैड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो बैट अपने दोस्त का मांग कर खेलते थे। कभी भी जोरदार शॉट भी नहीं मारते थे, सिर्फ इस डर की वजह से कहीं बैट टूट न जाए, अगर बैट टूट गया तो मैं अपने दोस्त को जवाब क्या दूंगा। इस चक्कर में वो बहुत करारा शॉट भी नहीं मारते थे। जब ये सब चीजें उनके चाचा को पता चली तो चाचा ने पैसे जुटाकर उनको एक नया बैट खरीद कर दिया। रोहित शर्मा ने अपने संघर्ष के सीमाओं को चीरते हुए, अपनी मुसीबतों से जूझते हुए आखिरकार एक स्पिनर और एक गेंदबाज के रूप में खुद को स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। रोहित ने एक बार क्रिकेट कैंप में हिस्सा भी लिया, जहां उनकी प्रतिभा को स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच श्री दिनेश लाड ने पहचान भी लिया। दिनेश लाड ने कुछ समय बाद रोहित का दाखिला स्वामी विवेकानंद स्कूल में भी करवा दिया, ताकि उन्हें वहां पर बेहतर सुविधाएं भी मिल सके और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिले, जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें भी ले सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दिनेश लॉर्ड ने उनको गेंदबाजी से ज्यादा ओपनिंग बल्लेबाजी का भी मौका दे दिया, जिसमें रोहित शर्मा ने पहले ही मैच में शतक जमा दिया और सबका आकर्षण अपनी ओर खींच लिया। रोहित शर्मा को 2005 में देवधर ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में रोहित शर्मा को भारतीय टीम में ओपनिंग का मौका भी मिल गया। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में भी खेलते हैं। वो 4 फाइनल्स खेल चुके हैं, लेकिन आज तक वो कोई फाइनल हारे नहीं है, सिर्फ अपने जुनून और अपने पैशन के दम पर। ये वही रोहित शर्मा है जो गली में क्रिकेट खेलते थे। ये वही रोहित शर्मा है जिनके पास टूटा हुआ बल्ला था। ये वही रोहित शर्मा है जो टीवी से सीख कर प्रैक्टिस करते थे। आज वो इंडियन टीम्स में भी खेलते हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं। 16 छक्के मारने वाले रोहित शर्मा ने तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। 2015 में रोहित शर्मा को भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, और आज रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में भी खेल रहे हैं। अगर सच में आप अपने सपनों के लिए पैशनेट हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। रोहित शर्मा को आज रोहित शर्मा सिर्फ रोहित शर्मा के पैशन ने बनाया है। रोहित शर्मा के पास टूटा हुआ बल्ला था। अगर वो ये सोचकर बैठ जाते कि मेरे पास टूटा हुआ बल्ला है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरे पास तो पुरानी गेंद है, मेरे पास तो टीवी है जिससे मैं सीख कर प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास तो कोई कोच भी नहीं है, तो शायद आज रोहित शर्मा आज इंडियन टीम में नहीं होते। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी मुसीबतों को हमेशा कुचल कर आगे बढ़ना सीखा और आज वो भारतीय इंडियन टीम में खेलते भी हैं और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेलते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि सक्सेस का सिर्फ एक ही सीक्रेट है कि कभी थकना नहीं है और कभी रुकना नहीं है, और अपनी मंजिल तक हमेशा पहुंचने के लिए शिद्दत से मेहनत करते रहना है। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ फिर एक नई एनर्जेटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अंकेश कटियार।